देखिए ये बड़ा वाला भाई साहब फिर से एक मछली पकड़ लिया, वो छूट गया था अपने आप, लेकिन उसका दिख रहा है ये मछली खाने का चीज, मछली बहुत पसंद करता है। देखिए ये थोड़ा पहले से आए हुए है, इसमें थोड़ा ज्यादा ही है, सॉरी मेरे हाथ से गिर गया था, लेकिन अच्छा हुआ कि पानी में नहीं गिरा। हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। और आप ये जो नज़ारा देख रहे हैं, ये हमारे गांव का खूबसूरती का नज़ारा है। ये हम लोग यहाँ बहुत एंजॉय करते हैं। मेरा भाई है जो आगे कुछ मछली पकड़ने गए हैं, उसी के पास हम जा रहे हैं। और जो शहर का लोग थोड़ा धूल मिट्टी पसंद नहीं करता, उनको शायद अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन बाकी जो नेचुरल लुक्स को देखना चाहते हैं उसको बहुत ही शानदार लगेगा। ये खूबसूरती, ये हमारे गांव का खूबसूरती है। हम लोग बाइक राइड करते हुए ये नाला के पास में जो बीच का रास्ता, इससे जा रहे हैं। ये देख रहे हैं आप लोग कि 6-8 आदमी यहाँ पे मछली पकड़ते हुए बैठे हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे पांचों लड़का कैसे बीच में इस नाला पे मछली पकड़ रहे हैं। ये पांचों सीप से मछली पकड़ रहे हैं। चलिए आपको करीब से दिखा रहा हूँ, दिखाने का कोशिश कर रहे हैं। ये मछली पकड़ना इन लोगों का पैशन है। ये एक बंदा ने मछली उठाया। चलिए भाई दिखा दो, थोड़ा कैमरा में दिखा दो, क्या कौन सा मछली तुमने उठाई, ऐसे ऐसे करके दिखा। देखिए बहुत ही खूबसूरत मछली है, साइज में थोड़ा छोटा है लेकिन देखने में बहुत ही बढ़िया। और ऐसे कोशिश किया भाई, एक भाई, लेकिन वो चला गया। ये बहुत ही छोटा सा एक नाला है, ये खेती के अंदर से जाता है, लेकिन इसमें मछली बहुत ही है। तो ये भाई सब लोग कुछ देर पहले से यहाँ पे आए हैं। कुछ स्टेप्स मिस भी हो जाता है क्योंकि वो मछली है, बहुत चालाक है, और जो खाना देता है वो खा के भाग जाता है, फिर नहीं उठता। वो देखिए, वो और एक भाई साहब है जो एक मछली उठाए, वो कैसे दिखाता हूँ आपको, वो कैसे वो इस कैरी के अंदर रख दिया। और पहले से भी कुछ मछली है कैरी के अंदर, आपको दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ। ये देखिए, इसमें इसके अंदर थोड़ा पानी डाला है क्योंकि वो जिंदा रहे, क्योंकि पानी से ऊपर रखेंगे तो मछली तो जिंदा नहीं रहेगा, इसलिए इसके अंदर थोड़ा पानी रख दिया है। और एक मछली बोलते बोलते उठा लिया भाई साहब। ये
कैरी के अंदर डाल दिया और मैं इसका कैरी सही जगह पे रख देता हूँ। और भाई साहब कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये नज़ारा आपको कैसा लग रहा है। ये धान का खेत, चावल का खेत बोलिए, कुछ भी बोलिए, पैडी फील्ड कुछ भी बोलिए, ये दूर दूर तक सिर्फ खेती है यहाँ पे। और ये कुछ भाई साहब बहुत ही मजा दे रहा है हम लोगों को और आप लोगों को भी। देखिए ये बड़ा वाला भाई साहब बहुत ही मछली उठा रहा है, फिसल गया वो अपने आप से, छूट के पानी में गिर गया, वो तो चला गया। लग रहा है कि वो तो नहीं आएगा और दूसरों को भी मना कर देगा कि यहाँ मत जाओ। और आगे ऐसा वीडियो पाने के लिए कमेंट में जरूर बताइएगा कि ऐसा वीडियो आप देखना पसंद करते हैं कि नहीं। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना हम लोगों को। देखिए ये बड़ा वाला भाई साहब फिर से एक मछली पकड़ लिया, वो छूट गया था अपने आप, लेकिन वो भाई साहब पकड़ लिया। बार बार पाले जाते बोल रहे हैं कि भाग रहा है बहुत बार। चलिए और एक भाई साहब का यहाँ पे डिब्बा है, इतना मछली पकड़ा है, दिखा रहा हूँ आपको। एक छोटा भाई साहब अभी आया, इसको एक दो तीन मिल गया। और ये दूसरे वाला भाई का कुछ देर पहले से आए, इसको थोड़ा ज़्यादा है। और ये जो दिख रहा है ये मछली खाने का चीज़, मछली बहुत पसंद करता है इसको, ये आटा से बना हुआ ये लड्डू, ये आटे के साथ पानी मिला के बनाते हैं, मैं कुछ नहीं देता बस यही, तो मैं ढक देता हूँ। ये देखिए वो एक भाई साहब फिर से और एक मछली पकड़ा। चलिए दिखाता हूँ इसका कैरी पे कितना मछली है। देखिए ये थोड़ा पहले से आए हुए हैं, इसमें थोड़ा ज़्यादा ही है लेकिन उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि मछली बहुत छोटा है तो वज़न ज़्यादा तो होता नहीं। सॉरी मेरे हाथ से गिर गया था, लेकिन अच्छा हुआ कि पानी में नहीं गिरा, तो मैं इसको रख देता हूँ, नहीं तो मेरे ऊपर गुस्सा को हो जाएगा, मुझे मार डालेगा। तो बस आज के लिए इतना ही, और चलिए रखता हूँ, मिलेंगे अगले वीडियो में। और कैसा लगा ये वीडियो आपको, ये विलेज वाला फिशिंग टेक्निक, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू दोस्तों वीडियो देखने के लिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।